बहुत ही फिट आदमी था, बहुत खुश मिजाज था और दिल का इतना अच्छा आदमी थे दैट उनकी जो फैमिली है वो फैमिली मैन था। उसको सबसे बड़ा अहमियत ये है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तब वो हमेशा वो एक चीज़ करते थे, ऐसे टांग उठा के ये करते थे, आई शुड फील के यार आई रियली लव दिस गाय। सिंगर केके की अचानक हुई मौत पर अभी किसी को यकीन नहीं हो रहा। लाइव शो में गा रहे केके की अचानक तबीयत बिगड़ी और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत से फिल्म इंडस्ट्री भी सदमे में है। हाल ही में शंकर महादेवन ने केके की मौत पर शोक व्यक्त किया। ये मतलब ये बहुत ही दुखद और बहुत ही मतलब कुछ शब्द ही नहीं है मेरे लिए। वो हमारे बहुत क्लोज दोस्त थे और हम लोग, ये मैं विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ केके के बारे में इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत ही फिट आदमी था, बहुत खुश मिजाज था और दिल का इतना अच्छा आदमी था कि यू नो वी कनेक्टेड मोर एज फ्रेंड्स। गाना तो उसने बहुत गाया, मेरे फर्स्ट फिल्म दिल चाहता है मैं कोई कहे जो गए मेरे साथ उसने गाया और बहुत सारे वेयर्स द पार्टी टुनाइट और फिर इट्स द टाइम टू डिस्को, बहुत सारे गाने गाए हैं और बहुत लोगों के लिए गाए, मशहूर है। लेकिन उसके बावजूद वो इतना, ही वॉज अ डाउन टू अर्थ पर्सन, अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट, और ये इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू मिस हिम टेरिबली एंड वी प्रे दैट उनकी जो फैमिली है वो फैमिली मैन था। उसको सबसे बड़ा अहमियत ये है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दैट वॉज हिज मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो आई रियली होप दैट जो फैमिली है दे समहाउ गैदर द स्ट्रेंथ टू गेट ओवर दिस, बिकॉज ये बहुत ही दुखद घटना है। तो मतलब इसको कुछ हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते और ये इमोशन को बयां भी नहीं कर सकते। वहीं लॉकअप के फेस जीशान ने भी केके और सिद्धू मूसेवाला की मौत पर अपना रिएक्शन दिया। मेरे शो के बारे में, तुम खूब भागे, इज अ लेजेंडरी शो यार, 8 साल से चल रहा है, क्या बोलूं। और हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, कल की बात है, के जी का ध्यान, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? जिसका के जी का, ओह आई फेल्ट हैपनिंग न्यूज़ यार, एक के बाद एक वो टू सिंगर्स वी हैव लॉस्ट एंड यू नो टू लेजेंडरी सिंगर्स, सिद्धू मूसेवाला व्हिच आई थिंक दे हैव कॉट द सस्पेक्ट, द लेटेस्ट न्यूज़ जो मैंने सुनी, एंड सेकंड इज के वेरी डिसहार्टनिंग एंड यू नो द गाय हु गेव अस द सॉन्ग जिससे हम रिलेट कर पाते थे, यू नो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को रिलेट टू दोस वर्ड्स एंड द लिरिक्स, यू नो हार्डशिप में वी वुड लिसन टू दोस सॉन्ग्स, सो इट्स ऑफ कोर्स इट्स सैडनिंग एंड यू नो बैक टू बैक टू सैड न्यूज़ेस, बट यस आई व्हाट वी कैन डू इज जस्ट होप देयर सोल रेस्ट इन पीस। यू नो फॉर मी आई मीन ऑब्वियसली आई एम सैड कि यू नो सिद्धू मूसेवाला एंड के जी बोथ वी लॉस्ट सच अमेजिंग पीपल, बट यू नो व्हाट, मेरे को दर्द हुआ दोनों के लिए। ऑफकोर्स सिद्धू मूसेवाला का आई वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड बिकॉज यार आई स्टार्ट लिसनिंग, मैं एक पर्सन हूँ जो यू नो इज़ ऑलवेज इन टू लाइक हिप हॉप एंड दिस एंड दैट एंड प्रॉपर हार्ड कोर पंजाबी हिप हॉप, हार्ड कोर पंजाबी रैप, मैंने सिद्धू मूसेवाला जी के वजह से ही सुनना चालू किया था यार। केके व्हाट आई शॉट व्हेन आई वाज वाचिंग केके'स परफॉर्मेंस, मुझे ऐसा लगा कि वो अपने काम से इतना प्यार करते होंगे कि उनकी लाइफ भी वैसे गई जिससे जिसका वो जिनका वो पैशन था, यू नो तो समवेयर आई फेल्ट पीसफुल लुकिंग एट इट, आई डोंट नो आई फेल्ट कि उनका सोल उस काम से इतना प्यार करता था कि वो काम करते करते ही लॉस्ट हिज बॉडी बट हिज सोल वॉज स्टिल देयर, यू नो विद द कॉन्सर्ट। सो यस सिद्धू मूसेवाला वॉज अनफॉर्चुनेट, केके आई फेल्ट अ लिटिल पीसफुल बिकॉज एज आई सेड आई फेल्ट बैड बिकॉज सिद्धू मूसेवाला यार लाइक यू नो आई यूज टू, मैंने उसके वो शोज भी देखे वेयर आई यू नो रियली यूज टू लव, वो हमेशा वो एक चीज़ करते थे ऐसे टांग उठा के ये करते थे, आई शुड फील के यार आई रियली लव दिस गाय एंड यू नो ऑब्वियसली मुझे पंजाबी नहीं आती थी समझ में, पर दोस्तों से तो मैं पूछता था कि यार व्हाट इज दिस मीन, व्हाट इज दिस, उनका वो जो गाना है ओल्ड स्कूल पंजाबी वाले गाने, हाँ मेरे को मजा आता था यार, मैं गाड़ी में वाइब करता था वो गानों पे, सो आई रियली रियली लव, ऑफ कोर्स अभी भी करेंगे बट ऑफ कोर्स हिज सॉन्ग्स आर गोना स्टे अलाइव, ही इज गोना स्टे अलाइव इन आवर। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।